बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है? नीलम शहज़ादी आपकी खिदमत में हाजिर है नई रेसिपी के साथ। इजी रेसिपी, आसान, रमज़ान के लिए। अगर आप लोगों का खाने का दिल करे तो आपका रोज़ा है तो आप क्या करेंगे कि फटाफट जल्दी से किस तरह से खीर बनेगी, आप क्या करें? बाज़ार से कोई भी किसी भी कंपनी का एक खीर का डब्बा ले लें और 1 लीटर दूध लें। जैसे उसको उबालाना शुरू हो, जैसे कि जी देखिए इसको उबालाना शुरू हो गया, तो आप क्या नाम है उसमें 1 लीटर दूध में ये पूरा एक पैकेट डाल दें। तो देखो सारा कुछ इसी में है, चीनी वगैरह हर चीज़, कुछ भी आपको नहीं डालना पड़ेगा। आप इस तरह से इसको आसा आसा से हिलाते रहें, बहुत ही बेहतरीन खीर 15-20 मिनटों में तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत ही आसान, हर चीज़ में मौजूद है। ये देखिए गरी, बादाम, कुछ भी आपको ऐसा नहीं डालना पड़ेगा। आप इसको मुसलसल हिलाते रहें। ये देखिए जैसे जैसे ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी तो ये बस बनना शुरू हो जाएगी। 15-20 मिनट और इसे हम पकाएंगे तो ये हमारी रेडी है। ये देखें खीर मेरी रेडी हो गई है। बस कोई चीज़ भी मैंने नहीं डाली, ना चीनी ना कुछ। ये देखें सारा कुछ पैकेट में ही मौजूद था। बहुत ईजी तरीका, अगर आप लोगों का रोज़ा में कोई गेस्ट आ रहे हैं अफ्तारी पे या बच्चों का दिल कर रहे हैं, छोटे बच्चों का दिल कर रहे हैं, इजीली आप बना सकते हैं। इसमें ना आपको कोई मीठा चखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी चीज़ को चीज़ डालने की ज़रूरत पड़ेगी, हर चीज़ इसमें मौजूद है। सिर्फ आपने दूध को उबाला नहीं देना, अच्छी तरह से जब उसको उबाल आ जाए तो आपने इसे 15-20 मिनट तक पकाना। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खीर, इसमें पिस्ता, बादाम, हर चीज़ मौजूद है। माशाल्लाह आप देखें खीर मेरी रेडी हो गई। अब चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, ठंडा होता है जैसे, तो मैं फिर इसे किसी बोल में निकाल देती हूँ। रेडी आ गई मेरी खीर, मेरी ठंडी हो गई। तो ये देखें मैंने इस बोल में निकाल ली है, रेडी हो गई है। और मैंने इसे ऊपर कोकोनट इसके ऊपर लगा के मेवे लगाए हैं। तो अगर आप लोगों को नीलम शहज़ादी की खीर की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।